भूमि प्रणाम, मैं अंजना ठाकुर हाजिर हूं ताजा समाचारों के साथ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष पर वीर जवानों को हिमाचल के नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। पेयजल स्कीम की अनदेखी, बिजली के उपकरणों पर टपक रहा पानी। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा राम भरोसे। SIU टीम की बड़ी सफलता। TCP दायरे से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर लाने की तैयारी। अब समाचार विस्तार से। शिमला कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर हिमाचल में शहीद वीर जवानों की शहादत को याद कर नमन किया। शिमला उपायुक्त कार्यालय परिसर बचत भवन शिमला में आयोजित समारोह में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पेयजल स्कीम की अनदेखी, बिजली के उपकरणों पर टपक रहा पानी। 10 गांवों की हजारों की आबादी की प्यास बुझाने वाला IPH मंडल हमीरपुर के टिक्कर चलोकर उठाओ पेयजल योजना बेकदरी की हालत में है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा राम भरोसे। जिला कांगड़ा के धरोहर गांव गरली में स्थित सिविल अस्पताल के दरारें पड़ चुकी हैं, छत की सलेटें गिरने की कगार पर हैं, परंतु विभाग की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। SIU टीम की बड़ी सफलता। HRTC बस में बैठी महिलाओं से लगभग 10 किलो चरस बरामद। कुल्लू के मणिकर्ण मार्ग पर SIU टीम ने नेपाली मूल की महिलाओं को चरस सहित पकड़ा है। SP गौरव सिंह ने बताया, SIU टीम ने भुंतर मणिकर्ण मार्ग में सीउंड के पास नाका लगाया हुआ था, जब हरिद्वार से मणिकर्ण आ रही HRTC नाहन डिपो की बस को तलाशी के लिए रोका गया तो उसमें बैठी महिलाओं से लगभग 10 किलो चरस बरामद हुई। TCP दायरे से ग्रामीण क्षेत्रों को बाहर लाने की तैयारी। TCP दायरे से बिना सोचे समझे शामिल किए गए ग्रामीण जल्द बाहर होंगे, इसके लिए सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक 30 जुलाई को होगी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। देवभूमि प्रणाम।